हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूनिकॉर्न एकेडमी। तो फ्रेंड्स, जेई और नीट को लेके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आया है एंड एनटीए ने एक लेटेस्ट ट्वीट किया है आधे से एक घंटे पहले कि जेई और नीट जो शेड्यूल किया है, रीशेड्यूल किया है, अब वो और पोस्टपोन नहीं होने वाला है। एंड जो जेई मेन्स 1 to 6 सेप्टेम्बर को शेड्यूल किया है, नीट जो 13 सेप्टेम्बर को शेड्यूल किया गया है, अब वो उसी टाइम पे होने वाला है एंड नो फर्दर पोस्टपोनमेंट। अब जो है कोई भी फर्दर पोस्टपोनमेंट नहीं होने वाला है। तो जो ट्वीट किया है एनटीए ने, मैं आपको बता देता हूँ। तो आपके स्क्रीन के सामने जो खुला हुआ ट्विटर का, एनटीए के ट्विटर का ऑफिशियल हैंडल है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लेटेस्ट ट्वीट किया गया 46 मिनट पहले किया गया है एंड हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक प्रेस रिलीज जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। एंड उसमें बताया गया इस प्रेस रिलीज में कि जेई और नीट जो रीशेड्यूल किया गया वो उसी टाइम पे होने वाला है एंड नो फर्दर पोस्टपोनमेंट ऑफ जेई एंड नीट विल ऑकर। तो हम देखते हैं, बता देते हैं आपको। तो प्रेस रिलीज डेटेड 21 अगस्त 2020 एंड सब्जेक्ट जो है वो जेई मेन्स 2020 एंड नीट 2020 है। ओके, तो जो पिटीशन दर्ज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में पोस्टपोन कराने के लिए एग्जाम को, तो इसमें वो बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। तो उन्होंने जो है एग्जाम के फेवर में अपना डिसीजन दिया था एंड जो याचिका दर्ज किया गया था पोस्टपोन कराने के लिए वो खारिज कर दिया था। एंड जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अब जो पोस्टपोन होने का चांस है जेई मेंस का वो है 0.01%। एंड वही हुआ है कि अब जेई मेंस जो है फर्दर पोस्टपोन जो है वो नहीं होने वाला है। इसमें बताया है कि स्टूडेंट का जो लाइफ है, स्टूडेंट का जो कैरियर है वो खतरे में आ सकता है इसकी वजह से अगर और एग्जाम को पोस्टपोन करवाया गया, क्योंकि उनका टाइम जो है वो बर्बाद हो रहा है। ओके, यहाँ पे आप सिंपल देख सकते हैं एंड अगर आप पढ़ना चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। तो नाउ द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हैज आल्सो रिलीज द एडमिट कार्ड। तो इसमें बताया गया कि एडमिट कार्ड जो है वो भी रिलीज कर दिया गया है एंड अब जो है फर्दर पोस्टपोनमेंट जो है वो नहीं होने वाला है एंड ऑन टाइम जो है वो होने वाला है। एंड नीट के बारे में बात कर लें तो यहाँ पे देख लीजिए, आप लिखा हुआ है यहाँ पे कि नीट एग्जाम इज नाउ शेड्यूल्ड ऑन 13 सितंबर एंड द टोटल ऑफ दीज मैनी कैंडिडेट्स आर रजिस्टर्ड फॉर द सेम। ओके, तो अब जो है पोस्टपोन जो है वो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि देख लीजिए यहाँ पे, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे पढ़ते हैं। वी फाइंड दैट देयर इज एब्सोल्युटली नो जस्टिफिकेशन इन द प्रेयर मेड फॉर पोस्टपोनमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन इन क्वेश्चन रिलेटिंग टू नीट यूजी 2020 एज वेल एज जेईई मेन अप्रैल 2020। इन अवर ओपिनियन दो देर इज पैंडेमिक सिचुएशन बट अल्टीमेटली लाइफ हैज टू गो एंड द कैरियर ऑफ द स्टूडेंट्स कैन नॉट बी पुट इन पैरल फॉर लॉन्ग एंड फुल एकेडमिक ईयर कैन नॉट बी वेस्टेड। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने बताया था, जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि वेस्ट नहीं किया जा सकता स्टूडेंट का लाइफ कैरियर, वही यहाँ पे बताया गया कि पैंडेमिक सिचुएशन तो है लेकिन हम जो है स्टूडेंट का टाइम जो है वो वेस्ट नहीं होने देंगे, सिंपल यही बोला गया। एंड द एग्जामिनेशन इज गोइंग टू बी हैंड विथ ड्यू प्रिकॉशन एंड इट इज नॉट गोइंग टू बी पोस्टपोन्ड। देख लीजिए, नॉट गोइंग टू बी पोस्टपोन, दस वी फाइंड नो मेरिट इन द रिट पिटीशन। ओके, तो अब पोस्टपोन जो है वो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। यहाँ पे नीट के बारे में भी बता दिया गया है, तो आप ये अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। सिंपल इस वीडियो का एम ये था कि आपको इन्फॉर्म कर दिया जाए कि अब जो है प्रिपरेशन, आप बूस्ट है जो पूरी जो प्रिपरेशन है वो बूस्ट कर लीजिए एंड हेल्थ को भी बूस्ट कर लीजिए, इम्यूनिटी बढ़ा लीजिए क्योंकि अब पोस्टपोन नहीं होने वाला है एंड आपको एग्ज़ाम जो है वो देना ही पड़ेगा। तो जिनका मन है वो दीजिए, जिनका नहीं मन है वो नहीं दीजिए, ये एनटीए के हिसाब से ये कहना है कि अब पोस्टपोन तो है जो वो नहीं होने वाला है। ओके, तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जेईई मेंस एंड नीट का फर्दर अपडेट, आप कोई भी एक ऐसा अपडेट ना हो जो आप मिस करें।